फर्स्ट लॉर्ड इन द एट हाउस, यानी कि एक्टिवेशन ऑफ द एट हाउस। लग्नेश जहाँ पर भी बैठता है उस भाव को बहुत ही ज़्यादा एक्टिवेट कर देता है, और जातक के जीवन में उस भाव और उस राशि के फल सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। और एट हाउस तो हमारे जीवन में रिसर्च, ऑकुल्ट, तंत्र मंत्र, ज्योतिष विद्या आदि को दर्शाता है। तो ऐसे में जब भी किसी व्यक्ति का लग्नेश अष्टम भाव में बैठेगा तो आप देखेंगे ऐसे लोग बहुत ही अच्छे से चीज़ों को रिसर्च कर पाते हैं। इन लोगों को कोई भी ऐसा काम दे दो जिसमें कि कहीं ना कहीं रिसर्च करनी है, एनालिसिस करना है, ये लोग बहुत ही परफेक्शन के साथ ये काम कर सकते हैं। आप किसी भी अच्छे साइंटिस्ट का हॉरोस्कोप देखेंगे या फिर एक अच्छे डॉक्टर का हॉरोस्कोप देखेंगे तो उसकी कुंडली में एट हाउस एक्टिवेट होगा ही होगा। अब चाहे वो लग्नेश के अष्टम भाव में बैठने से हो या फिर किसी अन्य कंडीशन से हो, किसी भी एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर का हॉरोस्कोप देखिएगा, किसी भी एक अच्छे तंत्र मंत्र के ज्ञाता का हॉरोस्कोप देखिएगा, आपको उसकी कुंडली का एट हाउस एक्टिवेटेड मिलेगा ही मिलेगा। अब लग्नेश जब अष्टम भाव में बैठेगा तो वो व्यक्ति को एस्ट्रोलॉजी में, तंत्र मंत्र में रुचि देगा ही देगा। ऐसे लोग मेडिटेशन बहुत ही हाई लेवल का कर सकते हैं, ऐसे लोग तंत्र मंत्र में बहुत ही गहरी साधनाएं कर सकते हैं, और ऐसे लोगों के पास ईश्वर का दिया इंट्यूशन होता है, पूर्वाभास करने की क्षमता ऐसे लोगों के पास होती है। अगर ये व्यक्ति एस्ट्रोलॉजी में ना हो, तंत्र मंत्र में ना हो, इनके पास किसी तरह की कोई ऐसी नॉलेज ना हो, तब भी ऐसे लोगों के पास एक अच्छी खासी इंट्यूशन पावर होती है, और जिसके बल पर ये भविष्य में कब क्या होने वाला है ये जान लेते हैं। एट हाउस दिखाता है जीवन और जीवन के बाद का सत्य। तो जब भी लग्नेश एट हाउस में बैठेगा तो इन लोगों को जीवन और मृत्यु दोनों का ज्ञान होता है। ये लोग मृत्यु को समझते हैं और जीवन की भ्रांतियों को भी अच्छे से समझते हैं। एट हाउस जब भी किसी व्यक्ति का एक्टिवेट होगा तो ऐसे व्यक्ति को अपनी ससुराल से काफ़ी ज़्यादा लाभ होता है। क्यों? क्योंकि सप्तम भाव कौन है? सप्तम भाव है आपका लाइफ पार्टनर, और एट हाउस है लाइफ पार्टनर की फैमिली। और लग्नेश जब एट हाउस में बैठेगा तो जैसे कि मैंने आपसे कहा कि एट हाउस की क्वालिटी को बहुत ज़्यादा बढ़ा देगा, तो यानी कि पार्टनर की जो फैमिली होगी वो आपको बहुत अच्छी देने के चांसेस हैं। लग्नेश जब एट हाउस में बैठता है तो इसके कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी जातक के जीवन में देखे जाते हैं। सबसे पहला तो इनको हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, और कई बार इनको गंभीर बीमारियां भी हो सकती हैं। दूसरा, ये लोगों को सोशल गैप दे देता है, ऐसे लोग खुद को आइसोलेट कर लेते हैं, समाज में घुलना मिलना कई बार इनको पसंद नहीं होता है, तो ये इस योग का एक नुकसान भी है। उसके बाद ऐसे लोगों के माइंड में कई बार बहुत जल्दी नेगेटिव थॉट्स आती हैं, ऐसे लोग आसानी से डिसीजंस नहीं ले पाते हैं, जो कि इनके लिए एक नेगेटिव पॉइंट बन जाता है। कई बार एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी को भी ये अपनी ओवर थिंकिंग की वजह से हाथ से जाने देते हैं। ये लोग बहुत ही ज़्यादा बातों को छुपा कर रखने वाले होते हैं, अपने बारे में जल्दी से दुनिया में जाहिर ही नहीं होने देना चाहते। सीक्रेट थिंकिंग, सीक्रेट माइंड इनका होता है, और साथ ही साथ कई बार अगर ये खुद को अकेला महसूस करें तो माइंड इतने नेगेटिव वाइब्स देने लगता है कि ये लोग सुसाइड अटैम्प्ट भी कर सकते हैं। तो जब भी लग्नेश अष्टम भाव में बैठे, जिनका भी लग्नेश अष्टम भाव में है, उनको चाहिए कि वो खुद को सोसाइटी में घुलने मिलने दें, लोगों के साथ इन्वॉल्व हों, अपने पास नेगेटिव थॉट्स को ना आने दें, या फिर अपना जितना भी खाली टाइम है उस टाइम को आप रिसर्च में लगा दीजिएगा, स्टडी में लगा दीजिएगा, ताकि आपका माइंड फालतू की बातें ना सोचे और आप जीवन में
लग्नेश के अष्टम भाव में बैठने का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा ले सकें। लग्नेश अष्टम भाव में बैठा है तो आपको स्पिरिचुअलिटी में बहुत ज़्यादा हाइट दे सकता है, आपको एक हाई लेवल की नॉलेज दे सकता है। तो आपको चाहिए कि आप अपने माइंड को उस डायरेक्शन में मोड़ें जहाँ पर कि आपको पॉजिटिव एनर्जी मिले। आप अपने माइंड को नेगेटिव डायरेक्शन से हमेशा बचाने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि क्या है ना, अष्टम भाव अंधेरे को भी इंडिकेट करता है। आप खुद को अंधकार में बंद कर देंगे और नेगेटिव थॉट्स के साथ बंद कर देंगे तो अंधकार आपको लील सकता है, खा सकता है। वहीं आप अंधकार में एक पॉजिटिव थॉट के साथ जाएंगे तो आप अंधकार में भी प्रकाश को उत्पन्न कर सकते हैं। तो ये लग्नेश जब अष्टम भाव में बैठता है उसके कुछ फल हैं। होपफुली आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, तो जुड़ रहेगा अष्टसूत्र के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।